वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी स्किल सक्सेस पर। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मेरे आप पास आप सभी स्टूडेंट्स के लिए एक इन्फॉर्मेशन है IIT JEE एडवांस 2020 को लेकर। तो इन्फॉर्मेशन ये है कि आपके EWS का कोटा जो है वो इंक्रीज़ कर दिया गया है। पहले EWS का जो कोटा है वो 4% रखा गया था, लेकिन अब इस कोटे को 4% से बढ़ाकर 10% तक कर दिया है। ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन आ चुकी है, तो एक बिग गुड न्यूज़ हो जाती है आप सभी जनरल कैटेगरीज के उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि EWS श्रेणी में आती है। और 17 मई को आपकी JEE की मेंस परीक्षा होने वाली है, तो उसके भी कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, तो वो मैं आप सभी स्टूडेंट्स के साथ शेयर करूँगा। ठीक है फ्रेंड्स, 17 मई को एडवांस की परीक्षा है, तो उसके बाद में हम आज की इस वीडियो में बात कर लेते हैं और साथ ही साथ बात कर लेंगे तो EWS कोटा को लेकर। तो फ्रेंड्स, अभी तक अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी स्किल सक्सेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि ऐसी ही JEE और ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन से संबंधित जितनी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आए उनकी वीडियोस आप सभी को मिल सकें। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो, देखते हैं ये न्यूज़ है। ये जो न्यूज़ है वो दैनिक भास्कर की न्यूज़ है। क्या बोला गया है कि IIT JEE JEE एडवांस परीक्षा में EWS का कोटा 4 से बढ़कर 10% किया। 17 मई को होगी परीक्षा। 17 मई को एडवांस्ड की परीक्षा है, सॉरी मैंने मेन्स की बोल दी थी, तो एडवांस्ड की परीक्षा है। ठीक है, एजुकेशन डेस्क में क्या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, बोला गया है कि देश की 23 IIT की सॉरी फ्रेंड्स 12,463 सीटों के लिए JEE एडवांस्ड परीक्षा 17 मई को होगी। IIT दिल्ली की ओर से यह परीक्षा 2 पारियों में सुबह 9 से 12 और दोपहर 2:30 से 5:30 बजे तक ली जाएगी। इसके लिए इन्फॉर्मेशन बुलेटिन जारी कर दिया गया है और इसके अनुसार इस साल EWS कैटेगरीज के स्टूडेंट्स का IIT में रिजर्वेशन 4% से बढ़ाकर 10% तक किया गया है। JEE मेन अप्रैल के लिए रजिस्ट्रेशन डेट जो है वो आप सभी को पता है कि बढ़ा दी गई है, इसके बारे में मैंने वीडियोस भी डाल दी थी। ठीक है, दो बार आपका JEE मेन होता है, तो अप्रैल का जो JEE मेन है उसके लिए आपके एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो जारी है, तो 12 मार्च तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और इसके करेक्शन की डेट है वो 13 से 16 मार्च तय की गई है। और साथ ही साथ 5 अप्रैल से शुरू होगी आपकी JEE मेन अप्रैल परीक्षा। आपकी 5 अप्रैल से JEE मेन की अप्रैल की जो परीक्षा है वो शुरू होने वाली है और वो चलेगी 5 अप्रैल, 7 अप्रैल, 9 अप्रैल और 11 अप्रैल। 4 दिन आपकी ये परीक्षा जो है वो होने वाली है। और NTA की JEE मेन परीक्षा के जरिए 12वीं पास स्टूडेंट्स IIT और देश के प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग कॉलेजों में एडमिशन ले सकते हैं और परीक्षा में शानदार प्रदर्शन करने वाले छात्रों को BE, BTech, BE आर्किटेक्चर और BE प्लान प्रोग्राम में प्रवेश का मौका जो है वो मिलता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी JEE एडवांस 2020 के EWS कोटा को लेकर, जिसे 4% से बढ़ाकर 10% तक कर दिया गया है। तो उम्मीद करता हूँ आज की ये जो वीडियो है वो आप सभी को पसंद आई होगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अदर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए गुड लक एंड हैव अ नाइस डे।